hello everyone welcome back in our chapter election and representation here we will discuss about our new topic so without wasting our time let's start so our new topic is reservation of constituencies guys we have noticed that in the fptp election system the candidate who secures the highest votes in a particular constituency is declared elected and this often works to the disadvantage of the smaller social groups. And this is even more significant in the Indian social context. And we have had a history of caste based discrimination. So, in such a social system, the FPTP, that is, first past the post electoral system, can mean that the dominant social groups and caste can win everywhere and the oppressed. सोशल ग्रुप्स में कंटिन्यू टू रिमेन अनरिप्रेजेंटेटेड ओके एंड आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकरस वर अवेयर ऑफ दिस डिफिकल्टी एंड द नीड टू प्रोवाइड अ वे टू एंश्योर फेयर एंड जस्ट रिप्रेजेंटेशन टू दस्ड सोशल ग्रुप्स सी गाइज हमने पहले डिस्कस किया कि एफ पी टी पी सिस्टम जिसको हम फर्स्ट पास दो सिस्टम भी बोलते हैं इस एफ पी टी पी सिस्टम में जिस कैंडिडेट को सबसे हाईएस्ट वोट मिलते हैं पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूंसी में उसे इलेक्ट डिक्लेयर किया जाता है ये हमने पढ़ा है ठीक है और इससे छोटे छोटे मतलब जो स्मॉलर सोशल ग्रुप्स हैं उनका ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है एंड ये इंडियन सोशल कंटेक्सट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे कंट्री में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की हिस्ट्री रही है ये हमें भूलना नहीं है बिल्कुल भी ये हमें पता होना चाहिए सो इन सच केस इन सच सोशल सिस्टम एफ पी टी पी एलेक्ट सिस्टम से मिली विक्ट्री का रिजल्ट ये होगा कि जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स हैं और जो कास्ट है, वो हर जगह हंड्रेड परसेंट जीत जाएंगे ठीक है और जो ऑपरेस सोशल ग्रुप्स हैं उनको कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिल पाएगा और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इस डिफ़िकल्टी से अवेयर थे और ऐसे जो ऑपरेस सोशल ग्रुप्स हैं उनके लिए फेयर एंड जस्ट जस्ट का मतलब है कि जस्टिस प्रोवाइड करवाना सो फेयर एंड जस्ट रिप्रेजेंटेशन एंश्योर करने की जरूरत समझते थे और उन्होंने ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया भी ओके एंड देन दिस इशू वाज डिबेटेड इवन बिफोर इंडिपेंडेंस एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्ट्रेट्स बताया गया है कि इंडिपेंडेंस से पहले भी इस सब्जेक्ट्स पर काफ़ी डिबेट हुई थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेपरेट इलेक्ट्रेट्स को इंट्रोड्यूस भी किया था Then this system mean that for electing a representative from a particular community only those voters would be eligible who belong to that community and in the constituent assembly many members expressed a fear that this will not suit our purposes and therefore it was decided to adapt or adopt the system of reserved constituencies and in this system all voters

उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बहुत से ऐसे मेंबर्स थे जिनको इस पर काफ़ी फियर था डाउट था बिकॉज उनका ये थॉट था कि ये सिस्टम हमारे एम्स हमारे पर्पस हमारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर सकता डैट इज़ वाई रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के सिस्टम को अडोप्ट किया गया और इस सिस्टम में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सभी वोटर्स वोट्स तो डालेंगे लेकिन कैंडिडेट सिर्फ उसी कम्युनिटी या सोशल सेक्शन का होगा जिसके लिए वो Uh, वो सीट रिजर्व है ओके देन दे आर सर्टिन सोशल ग्रुप्स विच मे बी स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री एंड इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी देयर नंबर्स मे नॉट बी सफिशियंट टू बी एबल टू इन्फ्लुएंस अ विक्ट्री ऑफ अ कैंडिडेट बताया गया है कि ऐसे बहुत से ऐसे सोशल ग्रुप्स थे या हैं जो हमारी पूरी कंट्री में स्प्रेड है ठीक है और किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो नंबर्स में इतने नहीं होते थे इतने नहीं होते थे कि वो किसी कैंडिडेट की विक्ट्री को इन्फ्लुएंस कर सके बट हाउ एवर टेकन अक्रॉस द कंट्री दे आर अ सिग्निफिकेंट सीजेबल ग्रुप सो टू एंश्योर देयर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन अ सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन बिकम्स नेसेसरी लेकिन पूरी कंट्री पर फोकस करें तो ये सोशल ग्रुप्स अच्छे खासे बड़े ग्रुप्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं ठीक है सो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन एंश्योर करने के लिए रिजर्वेशन सिस्टम बहुत नेसेसरी है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड स्कीड्यूल ट्राइब्स दैट इज़ एस सी एंड एस टीज और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें प्रोवाइड करवाता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स लोकसभा के अंदर और जो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसके अंदर किन किन कास्ट के लोगों को एस को और एस को ध्यान रखिएगा एस SC मतलब स्केड्यूल कास्ट एस मतलब स्केड्यूल ट्राइब्स ध्यान रखिएगा एंड दिस प्रोविज़न वॉज मेड इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ टेन ईयर्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है बताया गया है कि इनिशियली लेवल पर ये जो प्रोविज़न है टेन ईयर्स के लिए आ, किया गया था पर बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए गए जिसके थ्रू इसे एक्सटेंड कर दिया गया 2020 तक कर दिया गया इसको ठीक है देन द पार्लियामेंट कैन टेक अ डिसीजन टू फर्दर एक्सटेंड इट व्हेन द पीरियड ऑफ रिजर्वेशन एक्सपायर्स और बताया गया है कि जैसे ही रिजर्वेशन का जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा तो जो पार्लियामेंट है इसे और आगे बढ़ाने का डिसीजन भी ले सकता है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए then the number of seats reserved for both of these groups is in proportion to their share in the population of india and of the 543 elected seats in the lok sabha and 84 are reserved for scheduled caste and 47 are reserved for scheduled tribes as on uh, september 2012 okay or said that in dono uh, groups scs or sts Uh, जो रिजर्व रिजर्वेशन जो सीट्स हैं उनका वही प्रोपोर्शन है जो इंडिया की पॉपुलेशन में इनका प्रोपोर्शन है मतलब 543 इलेक्टेड सीट में से जो लोकसभा की हैं उसमें से uh, 84 सीट्स जो हैं वो रिजर्व हैं एस के लिए और जो 47 सीट्स हैं वो रिजर्व हैं एस के लिए और ये uh, 2012 थाउजेंड के अकॉर्डिंग है ये नाउ द क्वेश्चन इज़ हु डिसाइड विच कॉन्स्टिट्यूवेंसी इज़ टू बी रिजर्व and on what basis is this decision taken and this decision is taken by an independent body called the delimitation delimitation commission and the delimitation commission is appointed by the president of india and works in collaboration with the election commission of india and it is appointed for the purpose of drawing up the boundaries of constituencies all over the country and a quota of constituencies to be reserved in each state is fixed Depending on the proportion of SC or ST in that state. And then, after drawing the boundaries, the delimitation commission looks at the composition of population in each constituency. And those constituencies that have the highest proportion of scheduled tribe population are reserved for STs. And in the case of scheduled caste, the delimitation commission looks at, uh, at the two things. इट पिक्स कॉन्स्टिट्यूंसीज दैट हैव हायर प्रपोर्शन ऑफ शिकड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन बट इट ऑल्सो स्प्रेड दिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन डिफरेंट रीजन ऑफ द स्टेट सो दिस इज डन बिकॉज द स्केड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इज जनरली स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द कंट्री एंड दीज रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैन भी रोटेटेड इस टाइम द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इज अंडरटेकन अब देखिए बताया गया है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो रिजर्वड होंगी ठीक है और ये डिसाइड कौन करता है किस बेस पर ये डिसीज़न लिया जाता है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो डिसीज़न है ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन uh, के थ्रू लिया जाता है जिसे आप क्या कहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन ठीक है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ये जो कि जिसका नाम है डिलिमिटेशन कमीशन इसके थ्रू ये डिसीजन लिए जाते हैं और जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू जो हमारे जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो अपॉइंट करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन को ओके okay? और जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो हमारा जो इलेक्ट कमीशन ऑफ इंडिया है उसके साथ आ, मिल काम करता है कोलेबरेट करके काम करता है ये ठीक है और डीलिमिटेशन कमीशन का जो पर्पज़ होता है अपॉइंट करने का जो पर्पज़ होता है पूरे कंट्री में वो ये होता है कि जो कॉन्स्टिटेंसीज uh, हैं उनकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो डिसाइड करने के पर्पज़ से ये क्रिएट किया जाता है डिलिमिटेशन कमीशन हर स्टेट में रिजर्वेशन के लिए जो कॉन्स्टिटुंसीज़ हैं उनका एक आ, कोटा होता है जो उस स्टेट में एस और एस की जो पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन में होता है ये बाउंड्रीज डिसाइड करने के बाद जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है वो हर कॉन्स्टिटुंसीज़ में पॉपुलेशन की कंपोजिशन को देखता है जिन कॉन्स्टिटुंसीज़ में शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है उसे आ, उनके लिए एक तरह से रिजर्व कर दिया जाता है और इन द केस ऑफ स्केड्यूल कास्ट अगर आप स्कीड्यूल uh, कास्ट के केस में देखें तो जो डीलिमिटेशन कमीशन होता है वो दो बातों पर ध्यान देता है जो डीलिमिटेशन कमीशन है उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को इलेक्ट uh, uh, चुनता है एक तरह से जिसमें एस का जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा होता है लेकिन आपको ये चीज़ भूलना नहीं है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं इन सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को स्टेट्स के अलग अलग पार्ट्स uh, में डिवाइड भी कर देता है फैला देता है स्प्रेड कर देता है ऐसा इसलिए कि जो एसीज हैं, वो जिस तरीके से पूरे देश में फैले हुए हैं तो उसके हिसाब से ये जरूरी है और जब कभी भी डिलिमिटेशन का काम होता है तो इन रिजर्व uh, कॉन्स्टिट्यूंसिस में कुछ चेंजेस uh, कर दिया जाता है ओके okay, देन बताया गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक सिमिलर रिजर्वेशन फॉर अदर डिसएडवांटेज ग्रुप्स ऑफ लेट There has been a strong demand seeking reservation of seats in the Lok Sabha and state assemblies for women, given the fact that very few women are elected to representative bodies. the demand for reserving one-third seats for women is increasingly being articulated and reservation of seats for women has been provided for in rural and urban local bodies and we shall discuss this is uh, this in the chapter on local governments so मे बी वी नॉट वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द लोकल गवर्नमेंट बट ये आगे की बात है एंड आ सिमिलर प्रोविजन फॉर लोकसभा एंड विधानसभा वुड रिक्वायर एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन सच एन अमेंडमेंट हैज़ बीन प्रपोज्ड सेवरल टाइम्स इन द पार्लियामेंट बट हैज़ नॉट येट बीन पासड देखिए बताया गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जैसे रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाता है एस सीज के लिए एस टीज़ के लिए एज वी नो दे आर डिसएडवांटेज ग्रुप तो बाकी एस सी और एस सी के अलावा जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं उनके लिए वो रिज़र्वेशन इस तरह का कोई प्रोवाइड नहीं करवाता है हाँ लोकसभा और आ, स्टेट्स की जो असम्बलीज हैं उसमें विमेंस के लिए जो रिज़र्वेशन है उसकी काफ़ी डिमांड्स उठती हैं बहुत तेज़ी से और ये डिमांड इसलिए उठी हैं क्योंकि जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग बॉडीज़ हैं वहाँ पर जो विमेन हैं उनको काफ़ी काफ़ी कम नंबर्स में इलेक्ट किया जाता है तो ऑब्वियसली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन तो होना चाहिए और इसीलिए डिमांड ये रिजर्वेशन के लिए उठी है वमेन्स के लिए कि वन थर्ड सीट्स तो वुमेन को मिलनी ही चाहिए जो कि अच्छी चीज़ है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होना चाहिए वुमेन के लिए चाहे वो रूरल हो चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ हो दोनों जगह होना चाहिए और ठीक वैसे ही प्रोविंस लोकसभा के लिए भी होना चाहिए और विधानसभा के लिए होना चाहिए मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली की भी होना चाहिए वहाँ भी इसकी ज़रूरत है वो हाँ उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे तो उसमें कोई गलत नहीं हम कर सकते हैं और इसके लिए लोकसभा में कई बार अमेंडमेंट uh, uh, भी लेके आया गया काफ़ी पार्टीज़ uh, के द्वारा लेकिन इसको पास नहीं किया गया सो आई होप यू अंडरस्टैंड लेटर वी विल डिस्कस आ न्यू टॉपिक्स सो थैंक यू वाइज